नमस्कार, यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम गढ़ते हैं शब्दों को। मैं हूँ ममता सिंह देवा और आज आपको सुना रही हूँ अपनी गढ़ी कहानी, जिसका शीर्षक है नारीपुर के बाबूजी। सुनैना जब भी छुट्टियों में गांव जाती तो देखती कि बड़की अम्मा और चाची लोगों के बीच नारीपुर के बाबूजी सर पर साड़ी के पल्ले की तरह गमछा लपेटे, हाथ हिला हिलाकर बात करते और मुंह पर हाथ रखकर हंसते रहते। नर के रूप में नारी थे, घर के सारे मर्द घर के बाहर द्वार पर रहते, बस खाना खाने और जरूरत के वक्त घर के अंदर आते। लेकिन नारीपुर के बाबूजी तो दिन भर घर के अंदर औरतों में घुसे रहते। जिन औरतों से वो पद में बड़े थे, वो औरतें उनसे घूंघट भी करती और उन्हीं के साथ खुसफुसाती भी रहती। हाँ, एक बात थी, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं थी। जेठ होने के नाते भाई जी कहकर संबोधित करती। जब सुनैना बहुत छोटी थी तो इन सब बातों में उसको कुछ अलग नहीं लगता, धीरे धीरे अजीब लगने लगा। तब शुरू हुआ सुनैना का अम्मा से पूछने का सिलसिला। पहले तो अम्मा ने झिड़क दिया और बोली, बच्चों को हर बात में नहीं घुसना चाहिए, बस बात यहीं खत्म। लेकिन सुनैना तो ठहरी अपनी किस्म की निराली। वो जानती थी अम्मा के पेट से बात निकलवाना तो नामुमकिन था। एक दिन मौका देखकर छोटी चाची के पीछे पड़ गई और उसकी जिद के आगे चाची हार गई और बताना शुरू किया। नारीपुर के बाबूजी का ये घर उनका ननिहाल था। उनके अपने गांव का नाम नारीपुर था, इसलिए सब लोग उनको इसी नाम से बुलाते थे। 10 साल की उम्र से ही वो यहाँ रहने लगे थे। शरीर लड़के का और चाल ढाल लड़कियों की। वक्त के साथ सब बड़े हो गए। इसी बीच नारीपुर के बाबूजी को पड़ोस की लड़की से प्यार हो गया। एक तरफा प्यार, वो भी अर्ध नारीश्वर के रूप में, कभी इजहार नहीं कर पाए और लड़की की शादी हो गई। वो अपनी दुनिया में खुश। लेकिन उसके विवाह के बाद नारीपुर के बाबूजी यहीं के होकर रह गए, बस इसलिए कि वो लड़की जब भी अपने पीहर आएगी तो वो उसको देख पाएंगे। ये बता चाची रुक गई। वाकई अजब गजब थी नारीपुर के बाबूजी की प्यार भरी कहानी। उनकी मृत्यु भी ननिहाल में ही हुई। जब तक जिंदा रहे, एक भी मौका उस लड़की को देखने का उन्होंने गवाया नहीं। उसकी छवि आंखों में बसाकर अपने साथ ले गए नारीपुर के बाबूजी। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे ममता सिंह देवा की आवाज़ में उन्हीं की रचना। ये है फलक का चैनल, किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।